الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما، رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما अभी आवाज आ रही है ना मुझे कंफर्म करे जरा जी ठीक हमारा जो मौजू है जो सब सब्जेक्ट है हमारा उसका ताल्लुक कुरान के साथ है जिसका नाम है तजवीद तजवीद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तजवीद का माना है तहसीन हुसन से है संवारना सजाना खूबसूरत करना आमदा बनाना इसको क्या कहते हैं तजवीद तजवीद का जो लोगी माना है वो है तहसीन खूबसूरत बनाना संवारना आमदा बनाना अच्छा पेश करना और तजवीद जो अला माना है वो है हर हर्फ को उसके मखरज से सिफ्त के साथ अदा करना क्योंकि तजवीज में ज्यादातर दो चीजें हैं एक है मखारज और दूसरे है सिफात यानी हरफ जो आप अदा कर रहे हो उसको कहाँ से अदा करना है मखरज उसका क्या है निकलने की जगह क्या है कहाँ है तो एक सिफ्त क्या होगी तजवीद में कि मखरज हरफ कहाँ से अदा हो रहा है वो जगह आपने पहचाननी होगी और दूसरी चीज तजवीद में जरूरी क्या है कि हरफ को कैसे अदा करना है उसकी सिफ्त क्या होगी जिस तरह इंसानों में भी है कि ये बंदा फला बंदा कहाँ से है यानी पशावर से है कराची से है एक तो ये मालूम करना जरूरी है कि उसका एड्रेस आपको मालूम हो और दूसरी चीज ये मालूम करनी है कि ये बंदा कैसा है अगर आप उसके साथ कोई काम करना चाह रहे हैं उसके साथ कोई मामलात कर रहे हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम करना जरूरी है कि ये बंदा कैसा है ये धोखेबाज़ है फ्राडी है हुँ? अगर दूसरे लेवल से लिया जाए ये बंदा पतला है मोटा है तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि तजवीद में भी हमने यही मालूम करना है कि हर्फ कहाँ से अदा होना है हर्फ ने और इसको कैसे अदा करना है मोटा इसको पढ़ना है हर्फ को इसको पतला पढ़ना है इसको खींचना है इसको इसमें गुन्ना करना है तो ये चीजें हैं तो तजवीद में दो चीज़ें हैं तो इसलिए जो लघवी तारीफ है वो है खूबसूरत बनाना और जो असला तारीफ है उसका ये है कि हर हरफ को उसकी मखरज से उसकी सिफ्त के साथ अदा करना मखरज और सिफात ये दो चीजें तजवीज में जरूरी है तजवीद का मौजू क्या है तजवीद का जो मौजू है वो है वह तहज़ी। तहजीफ तहज़ी जो है <स्थित> अल्फ़ से लेकर या तक जिस तरह इंग्लिश में अल्फाबेट है इसी तरह हरूफ तहजी उर्दू में भी है हर ज़बान में अपने अपने वो होते हैं अरबी जुबान में जो हरूफ तहजी है वही मौजू है किसका तजवीद का समझो तजवीद एक सब्जेक्ट है और जो उसके अंदर टॉपिक है वो हरूफ तहजी है अलिफ से लेकर या तक और वह कितने हरूफ है हरूफ़ तहजी अरबी का वो टोटल उनतीस हरूफ है अभी टाइम भी छ बजकर उनतीस है और हरूफ भी उनतीस है तो ये याद कर लें ठीक है ये जवाब बिल्कुल सही दिया आपने उनतीस हरूफ है जी तजवीद की बहुत अहमियत है बाज़ में कहते हैं कि तजवीद को पढ़ के क्या करना है कुरान पढ़ो जिस तरह कुरान आप नाजरा पढ़ो बाकी चीजें कह रहे कि नहीं पढ़ो <स्थाथ> अच्छा यहाँ पे एक कमेंट है कि आवाज नहीं आ रही तो सबको नहीं आ रही या किसी एक को आवाज नहीं आ रही अच्छा बाकी को आ रही है तो जिसको नहीं आ रही वो शायद की उसमें प्रॉब्लम हो तो वो जरा चेक कर लो <स्थाथ> सबसे पहले तजवीद की जो अहमियत है वो कुरान से जानने की कोशिश करते हैं किताब के बारे में पूछ रहे हैं तो किताब में खुद जो पढ़ाऊंगा इन तो इसी को हम एक किताबी शक्ल देंगे अगर कोई स्टूडेंट वो है एक्टिव है आप में से तो ये जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको जमा करके आ, वो आप हमें हाँ भी दे सकते हैं और हम मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इदारे को ये सारी चीज़ें लिख कर दूँ और फिर हम उसको एक किताबी शक्ल देंगे या जो हर क्लास जो जिस तरह के अगला क्लास है तो उसमें मैं पहले से लिख कर इदारे को दूंगा और वो शायद अगर वो लिख सके तो फिर आपको पी डी एफ करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उसी से साल के आखिर में फिर हम एक किताबी शक्ल भी देंगे इन तो आप में से अगर किसी ने ये काम कर लिया तो तो ये बहुत नेकी का काम है और जितने लोग फिर पढ़ेंगे तो इन आपके लिए सबकी जारिया है तो हर कोई अगर कर सकता है तो और भी और अच्छी बात है क्योंकि अगर किसी एक से कोई चीज़ स्किप हो गई है तो दूसरा उसको उठा लेगा तो इन बेहतरी रहेगी तो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी जो है ना नोट करने की कोशिश करें कुरान की जो अहमियत है तजवीज की वो हम कुरान से आ, आ, सीखने और समझने की कोशिश करते हैं इशी बारी ताला है वत्तिल कुरान तरतीला सूर मुजम्मिल की आयत है वरतिल कुरान तरतीला यानी कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो यानी तजवीद के साथ पढ़ा करो क़ुरान को ये आयत है क़रन पाक की और सूर मुजम्मिल की ये आयत है कुरान टहर टहर कर पढ़ना आराम से पढ़ना आमदगी से पढ़ना खूबसूरती से पढ़ना और उसके सिफात और महारज को मद्दनजर रखते हुए उसके साथ अदा करना तिलावत करना ये कुरान की आमदगी भी है खूबसूरती भी है और ये तरतील भी है और यही तज़वीद भी है ठीक है इसके साथ यही इस आयत के बारे में जो तरतील है तो हजरत अली रजी अल्लाह तहु इस तरतील के बारे में फरमाते हैं कि तरतील क्या चीज़ है वो खुद तशरी करते हैं कि अ तरतील हु तजवीदलूफी व मै आरफतलवी ये जो तरतील है ये सहाबी का कौल है हजरत अली रजी अल्लाह तहु कि वत कुरान तर्तीला यहाँ तरतील कुरान को तरतील के साथ पढ़ा करो इस तरतील का मतलब क्या है वो फरमाते हैं कि तरतीलु ये इस तरह की चीज़ें अगर आप नोट कर सकें लिख सकें तो ये लिख लें जिस तरह ये अकवाल है ऊपर आयत है वरत कुरान तरतीला यही और फिर नीचे जो अली का रज़ल है वरतरतीलु तरतील जो है हुआ तजवीदरूफी वो का जो तजवीद है उसको तरतील कहते हैं वह मारिफतुलवकूफी और वक़ को जानना ये क्या है तरतील है कि आपने वकफ़ कहाँ करना है रुकना कहाँ पर है और अगर आप रुक गए वकफ़ की आपने तो फिर बेदा कहाँ से करना है दोबारा स्टार्ट कहाँ से करना है ये वकफ़ का अलग बाब है इस मौजू में तजवीद की किताब में और ये बहुत बड़ा जो है ना बाब है चैप्टर है और ने इस पे बहुत बातें की है ठीक है हाँ ये बिल्कुल सही कहा तरतील हुआ तजवीदरूफी व मरफतलूफी तो तरतील जो है वो क्या है वो वरूफ की तजवीद है और वमािफतलवूफ़ी वकफ़ो का जानना है ठीक है अब सादी सी उर्दू में आप याद करें तरतील क्या चीज है का जो तो तजवीद है और मारिफत है यानी जानना है वक्फ़ का वक़्फ का जानना ठीक है ये बिल्कुल सही लिखा है तरतील व तजवीद्रूफी इसी तरह दूसरी आयत है सोरे फुरकान की आयत है शोरा फुरक़ान की तकरीबन बत्तीस नंबर आयत है वाह तरतीला अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि यानी हमने इस कुरान को तरतील के साथ पढ़ा है या नाजिल फरमाया है क्योंकि ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला का कलाम है अल्लाह ताला ने क़लाम किया है पढ़ा है इसको इस कुरान को ये एक अखिलाफी मसला भी है बाद के नजदीक कुरान वो कहते हैं कि कलाम नहीं है मखलूक़ अल्लाह ने पैदा किया है और जो सुन्नत है आ, वो फरमाते हैं और जमहूर के कौल है कि नहीं ये अल्लाह का कलाम है ये कुरान अल्लाह का कलाम है ये मखलूक़ नहीं है बहर हाल ये एक अलग मौजू है और इसको इस मौजू को शायद आप तोहीद में पढ़ेंगे फिर तो ये जो आयत है सूर फुरकान आयत नंबर बत्तीस वरतल तरतीला और हमने इस क़ुरान को तरतील के साथ पढ़ा है ठीक है तो इससे अंदाजा किया जाता है जी तजवीद की क्लास है ये और तजवीद की अहमियत के बारे में हम अभी गुफ्तगु कर रहे हैं कि तजवीद की क्या अहमियत है क्योंकि अक्सर लोग अः कहते हैं कि बस कुरान पढ़ो तजवीद की क्या जरूरत है नहीं ऐसा नहीं है तजवीद बहुत जरूरी है अभी आप पहचान लेंगे कुरानी आयत से भी और अहादीत से भी और के अकवाल से भी कि तजवीद की क्या अहमियत है और अगर कोई बंदा तजवीद के साथ नहीं पढ़ता तो अगर उसको पता है कि तजवी ज़रूरी भी है उसको पता चल गया तजवीद की फजीलत उसने पढ़ ली और फिर भी वो तजवीज नहीं कर रहा तो फिर वो गुनाहगार भी है अगर किसी को इलम ना हो किसी को पता ना हो ला में वो अगर गलत पढ़ रहा है ला इल्मी में उसको पता ही नहीं है लाशूरी तौर पर तो फिर वो गुनहगार नहीं है लेकिन अगर उसको पता चल गया उसको पूरा अंदाजा हो गया उसने पढ़ लिया इल्म हासिल कर लिया कि ये चीजें छोटी छोटी गलती भी जो है ना उससे मानी कुरान के जो मानी है मीनिंग है वो तब्दील हो जाती है और तो फिर फिर भी अगर वह बंदा इलम हासिल नहीं करता इस तजवीद का तो वो फिर गुनहगार है आगे इन श इसी तरह कुरान की आयत है सूर्य बकरा की आयत है 121 सौ इक्कीस अल्लावीना आते ना हमल किताबा हक यानी वो लोग आतई ना किताबा जिनको हमने किताब अता फरमाई है यून उसकी तिलावत करते हैं हक तिलावती ही जिस तरह तिलावत करने का हक है तिलावत का हक क्या है ये भी अभी हम पहचान लेंगे इनशा की तिलावत और हक तिलावा कितनी चीजें हैं जी ये फर्स्ट लेक्चर है ठीक है तजवीद सूर्य बकरा की आयत अभी हमने तिलावत की अल्लादीना आती किताब यू हक तिलावती यानी वो लोग जिनको हमने इस कुरान को अता फरमाया है ये इस कुरान को हमने दिया है उसको हो उसकी तिलावत करते हैं हक तिलावती जिस तरह तिलावत करने का हक है तो फरमाते हैं आयत नंबर है तकरीबन 121 जी ये आयत कमेंट्स में आप देख सकते हैं अल्लादीन आते ना किताबा यतलू नक़ तिलावती माइक करीब पर मैं जरा करीब हो जाता हूँ तो तिलावत जो इस आयत में आया कि हक तिलावती अब हकवा तिलावत तिलावत की हक क्या है अब ये लिखें ये इसको नोट कर लें तिलावत की पांच हकूक है हक तिलावा कितने हुकूक है तिलावत की पांच है इसको आप नोट कर लें नंबर एक अहसनल्कर आ पहला हक क्या है अहसनलकर आ कि आप इसकी करात अच्छी तरह कर लें अच्छी तरह पढ़ना ये सबसे पहले हक है क़रन का हमारे ऊपर कि हम इसकी तिलावत को अच्छी तरह कर लें इसी तरह आपको बखूबी मालूम है जी अहसन अल्कर आप बहुत अच्छा लिखा आपको बखूबी इलम है कि अगर कोई शख्स इंग्लिश लैंग्वेज कर रहा हो और वो उसकी तलफ़ का ख्याल नहीं रखता या हमारी तरह हम पठान जो जिस तरह उर्दू बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं वो तलफ का ख्याल नहीं रखते मुजक्र मोनस का ख्याल नहीं रखते तो फिर वो मजा नहीं होता जो एक उर्दू स्पीक बंदा जिस तरह उर्दू बोल रहा है उसकी उर्दू बोलने में और हमारी उर्दू में बहुत फर्क है वो मजा नहीं होता तो इसी तरह अगर आप अरबी पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके कवायद को जाने और तजवीद को जाने और फिर उसी तरह क्योंकि तजवीद ही कुरान को आमदा बनाता है कुरान को खूबसूरत बनाता है क़वायद मतलब कायदा रूल जिस तरह फार्मूला होता है मैथ में या कोई रूल होता है कानून होता है कायदा होता है बेस फार्मूला ये सारी चीजें ये क़वायद ये क़ाफ़ वाला जी कायदा एक को कहते हैं उसूल भी कह सकते हैं आप उसूल को जाने आप इसकी जो बुनियादी चीजें हैं वो जाने ठीक है बेसिक चीजें जिसको कहते हैं तो अहसन अल्करा आप इस कुरान को अच्छी तरह पढ़े जिस तरह के ऊपर हमने आयत पढ़ी वरत तिल कर्ना तरतीला इस अहसन ने हुक्म दिया है कि वरत तेल तरतीला कि कर्न को खूब ठहर ठहर कर तजवीद के साथ पढ़ो तो ये कुरान का हक भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि कुरान को तरतील के साथ पढ़े इसी तरह जो दूसरा हक है वह है फहम। अहसनलफहम फहम फहम उर्दू में भी है फेहम फ़िरासत तो फहम। अच्छी तरह जानना या उसका अच्छी तरह उसका फहम हासिल करना जी फहम। ये अक्सा शेख ने जो लिखा है ये इसी तरह फहम जी और इसी का भी अल्लाह ताला ने हकम दिया है और यही हक है हक तिलावा का कि आप इस क़ुरान को पहले तो इसकी जो करत है उसको सीखे उसको अच्छी तरह पढ़े फिर इसके माना और मफहूम को समझे हाँ ये एक कमेंट है कि सवाल जवाब होता तो अच्छा होता तो आगे अगर इदारे वाले से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये मुमकिन हो तो बेहतर है अगर ये लोग सवाल करें कोई चीज़ समझ ना आए तो ये लोग सवाल करें मैं इनशाला जवाब दूंगा जी जी हमें कैसे मालूम होगा ये कमेंट है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा मखरज सही नहीं है तो इनशाला अभी आपने तजवीद की क्लास ज्वाइन कर ली है आप महारज के बाद में जब दाखिल होंगे और आप महारज के बारे में कुछ पढ़ेंगे उसके बाद आपको यह अंदाज़ा होगा कि मेरा मखरज सही है या गलत है क्योंकि अभी तक आपने तजवीद के बारे में पढ़ा तो होगा महारज के बारे में नहीं पढ़ा होगा इसलिए आपको नहीं पता तो अगर आप मखारज के बारे में पढ़ेंगे तो तब आपको अंदाजा होगा कि अब मेरा जो मखरज है ये सही अदा हो रहा है या सही नहीं और उसका हम तरीका आपको इनशाला बता देंगे कि सही मखरज जानने का क्या तरीका है और गलत मखरज का क्या तरीका है दूसरा दूसरा हक जो है अहसनफम मेरे पास इस वक्त कोई किताब नहीं है मैं मेरे पास अपना नोट है है ये कॉपी खाली है मैंने ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है अपने पास तो इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ कोई किताब नहीं है मेरे पास अपना नोट से और इसी को हम एक किताबी शक्ल देंगे इनशाला और गुरुज की तरफ से वो शाया होगा आप फिर ले सकते हैं आखिर में इशल किताबें बहुत सारी हैं तो हम क्लास के हिसाब से जो बेहतर समझेंगे या जो हमें क्लास में मालूम हो रहा होगा कि यही यही प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी चीजें जो है ना क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं अगर कोई किताब लेना चाहता है तो किताबें बहुत सारी है किताबें में फिर आपको नाम भी नाम भी दे सकता हूँ किताबें लें सारी चीजें एक एक जैसी है उसमें फ़वायद एक जैसे हैं हर किताब में बस किसी में तफसील है इसी में जो है ना तकसर है लेकिन हम क्लास में उन चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे जिसकी आप लोगों में कमी हो तो उन चीजों को हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे दूसरा जो हक है वो है अहसनफाहम अच्छी तरह फाहम हासिल करना यानी इसकी मीनिंग को जानना मा... और इसमें क्या है और इसी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सूरह मोहम्मद में है आयत नंबर शायद मैंने नहीं लिखा है सूरह मोहम्मद की आयत है अफ अला कुरान अम अक्फालुहा सूरह मोहम्मद की आयत है अफला अला तदबरू अल क्रन अम अक्फालुहा और एक आयत सूरह में भी है शायद अनाम में नहीं सूर सूरे निसा में एक आयत है आ, आयत नंबर शायद ये मोहम्मद की इन्होंने लिखा है कि चौबीस नंबर आयत है तो ये आप नोट कर लें एक आयत है सूर यही।, यही इसी तरह है कि अफलाय तदब्बर क्रन वाणी व जदूफ़ी अख्तिलाफन कसीरा अफलाय तदब्बर कुरान कि ये लोग कुरान में तदब्बर गौर फिक्र क्यों नहीं करते कुरान में ये लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते अकफाल क्या इनके दिलों को ताले लगे हुए हैं तो फहम का इसके मानी जानने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप लोग इस पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते क्या आपके दिलों को ताले लगे हैं ये सूर मोहम्मद की आयत है और सूर इन्होंने बताया कि बसी नंबर आते एटी टू है तो वहां पर भी यही बात है कि कुरान ये लोग क्यों नहीं करते वाल अगर ये कुरान अल्लाह ताला के अलावा किसी और हस्ती की तरफ से होती लवजूफी अख्तिलाफ तो आप जरूर इस कुरान में बहुत सारा अख्तिलाफ जो है ना तो चूंकि अब कुरान में इख्लाफ नहीं है कोई तजाद नहीं है न कुरान का कुरान के साथ तजाद है एक आयत के दूसरी आयत का के, के साथ तजाद है न कुरान का हदीस के साथ तजाद है जो लोग ये दावा करते हैं उसकी की कमी है की कमी है जो लोग ये करते हैं कहते हैं कि कुरान की एक आयत दूसरे आयत से जो है ना टकराती है ये ये बात बिल्कुल गलत है बल्कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तशरी है वजाहत है और हदीस भी इसी तरह हदीस की जो जितनी भी अहादीस है या तो वो कुरान की वजाहत है या कुछ चीजें कुरान जो है ना की वाहत करती है ये मेरे पास बहुत सारा कोई कहते हैं कि आवाज नहीं आ रहा कोई कहते हैं के कि अपना नेटवर्क चेक करें मेरे पास तो शायद सिग्नल सही आ रहे और शायद आवाज भी बाकियों को सही आ रहे तो जिनको शायद नहीं आ रही तो वो अपना मसला चेक करें जी नंबर तीन नंबर तीन जो है अहसनल हिफ्ज पॉइंट नंबर है और जो तीसरा हक हाँ है वो अहसनुल हिफ्ज़ है कि आप इस कुरान को अच्छी तरह हिफ्ज़ कर ले याद कर ले इसको कि अल्लाह का को आप सीने में महफूज कर ले यही कुरान आपको जो है ना कबर में भी निजात दिलाएगी और यहाँ तक कि आपको जन्नत में ले जाकर छोड़ेगी ये ऐसी किताब है ये कोई दुनिया वालों किसी न्यूटन या किसी और की किताब नहीं है ये अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन जो मख... जो खालिक कायनात है जिसने पूरी मखलूक पूरे कायनात को पैदा किए ये उस हस्ती की किताब है तो अहसन उल हिफ्ज तीसरा जो पॉइंट है वह है अहसन उल आप इस कुरान को ले, चाहे कम हो या ज्यादा जितनी आप आपकी इस्तताहत है उतनी आप इस कुरान को हफज कर लें और याद कर लें और इसी इसी का इस चीज की भी फजीलत बयान हुई है हदीस में नबी अलैहि सल्लत व सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खैरukum मन ताअल्मल कुरान व वो शख्स है जो सीखे और दूसरों को सिखाया वा तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे खुद याद करे हज करे और फिर वामा हूँ दूसरों को सिखाए और इसी इसी चीज की जो है ना दूसरी हदीस में जो है ना हाँ ठीक है अहसन का ये कहते हैं कि क्या मतलब है अहसन करना किरात उर्दू में कहते हैं मैं किरत करता हूँ कोई कारी उसकी बहुत अच्छी किरत है मतलब तिलावत आप कर रहे हैं किरत उसको अच्छी तरह किरत करे यानी आप तजवीद को याद करें तो आपको पता होगा तब पता होगा आपको कि आपने तजवीद पढ़ी हो कि किस हरब को मोटा पढ़ना है किसको पतला बारीक पढ़ना है जी रेस्टेशन आप इसकी रेस्टिटेशन तजवीद के मुताबिक कर ले तजवीद के जो रूल्स है उसके मुताबिक आप इसकी तिलावत करें रिसिटेशन करें आप रिसाइड करें इस कुरान को अच्छी तरह तो इसका मतलब ये है अहसन अल्क्र का मतलब और यह सबसे पहला पॉइंट था और तो दूसरा पॉइंट अहसन इसको अच्छी तरह माने और मफहूम समझना ये दूसरा पॉइंट था हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है अहसनि इसको अच्छी तरह याद करना और सबकी मैंने आपको एक एक दलील दी पहले का दलील किया था वर्ाना तरतीला कुरान को अच्छी तरह ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ो यानी तजवीज के साथ पढ़ो और दूसरे का दलील किया था कि अफ़लायत कुरान क्या ये लोग कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या इनके दिलों को ताले लगे हुए हैं तो ये अल्लाह ताला जो है ना ये डांटने का एक अंदाज है अल्लाह तला का कि तुम लोग को क्या हो गया है क्या आप इसके इस पर गौर और तदबर नहीं करते क्या ताला लगा हुआ है दिल पे ताला है ये एक डांटने का एक अंदाज है जो अल्लाह ताला की तरफ से है तो इससे जो है ना आप बंदे को मालूम हो होना चाहिए कि अल्लाह ताला को इसका माना और मफहूम समझना मतलूब है मेरे पास तो सिग्नल ठीक है ठीक है और नंबर तीन अहसन उसका भी हमने फजीलत बयान कर दी कि नबी सलाशाद फरमाते हैं कि से बेहतरीन वो है जो और दूसरों को सिखाए इसी तरह पॉइंट नंबर चार जो है फोर नंबर वो है अहसन عمل एहसन आमल जी एहसन ये नोट्स इनशाला हम तैयार कर रहे हैं फिर आपको लिख के चाप करके फिर आपको आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एहसन अलमल ठीक है तो एक चीज आपने अच्छी तरह उसको पढ़ना भी सीख लिया उसका माना और मफहूम भी सीख लिया आपने याद भी कर लिया अब जो तीसरा चौथा मरहला है वो मरहला ये है कि आप अब उस पर अमल भी करें क्योंकि आप आग, अगर अमल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे तो खुद इंग्लिश नहीं आती अगर इदारे वालों ने किसी से ट्रांसलेट कर दिया तो ये अच्छा होगा मैं बात कर लूँगा इनशाला अगर उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया तो शायद आप लोगों के लिए आसानी होगी अहसन आमल।, आमल जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका काम जो है ना बेकार है या नाक़ है ठीक है क्योंकि घर पे भी आपने देखा होगा कि आप किसी बच्चे को कुछ बार बार किसी का हुक्म दे रहे हैं वो इतना असर नहीं करेगा लेकिन जो काम आप खुद कर रहे हैं बच्चा आपके बोले बगैर वो काम करेगा आपके बोले बगैर बच्चा वही काम करेगा तो इससे बहुत फायदा होगा आप अमल करेंगे तो आपको अगला रास्ता जो दावत का है वो बहुत आसान होगा यानी आधा जो आप दावत में जितना आप मेहनत कर रहे हैं आधा काम आधा काम आपका जो है अमल अगर आप उस पर करेंगे तो लोगों पे असर करेगा लेकिन आप बोल कुछ रहे लेकिन कर कुछ रहे ये इतना असर नहीं करेगा ठीक है और इसी का अल्लाह ताला ने दिया है के या लिमा माला तफ आलून ये सूरह सफ की आयत है या अयोधी आमनु लिम मा ला आलून दुनिया वाले इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि आप का बोलना और अमल करना ये ज्यादा मतलब असर नहीं करेगा या इस तरह का लेकिन कुरान क्या कहता है कुरान यही कह रहा है कि या योदी आमन माला तफाल आप क्यों कहते हैं जो खुद करते नहीं है सूर्य सफ की दूसरी आयत है। या योल्लिन आमन लिमतूना क्यों आप किसी को कोई हुक्म देते हैं वो जो आप कह रहे होते हैं आप दूसरों को बोलते हैं मालाता फलून जो आप खुद नहीं करते तो अगर जिस तरह मैंने अभी तजवीज नहीं पढ़ी मुझे पता ही नहीं है तजवीज का और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप खुद अभी अंदाजा लगाएं कि क्या कोई असर होगा मुझे खुद नहीं पता मैं खुद अमल नहीं करता मैंने तजीद पढ़ी होगी तो अमल करूंगा और अगर अमल भी नहीं करूंगा मैं तजवीज तो मैंने पढ़ी है लेकिन तजवीज के खिलाफ मैं खरात कर रहा हूँ यानी उस पर अमल नहीं कर रहा उस रूल पे और आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या आप बता दें क्या आप सही तजवीज सीखेंगे क्या आप तजवीज सीख सकते हैं सही तजवीज नहीं बिल्कुल नहीं तो जब मैं खुद अमल करूंगा तो अगर मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ अगर आपने मेरी तिलावत सुनी कहीं से आपको मजा आ रहा होगा या कोई भी कारी हो अगर वो किरत के साथ के साथ वो पढ़ रहा है तो आपको मजा आएगा कि यार वाकई काश मैं भी इसी तरह होता काश मेरा बेटा भी इस कारी की तरह होता तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि आप पहले અમલ કરે યે 14 પોઈન્ટ હે ઓર લાસ્ટ પોઈન્ટ જો હમારા પાંચવા હે વો ક્યા હે અહસનુ દાવહ અહસનુ દાવહ કે આપ ઇસ ઇસ કુરાન કી achhi tarah daawat de હમે આખિર મે અભી શાયદ ટાઈમ ભી પૂરા હો ગયા યે આખરી જો હે ના પોઈન્ટ નોટ કર લે અહસનુ દાવહ फिर मैं कुछ आया तो आपको सुनाता हूँ अहसन अच्छी तरह दावत देना और दावत का काम अब जो है इस उम्मत का काम है इस उम्मत का काम अब दावत किसके जिम्मे है क्योंकि अम्बियात तो चले गए खत्म हो गए नबूत का दरवाजा बंद हो गया तो वह नबूत का काम इस उम्मत के हवाले है सिर्फ के हवाले भी नहीं ना के हवाला इस उम्मत के हवाले हैं इस उम्मत में चाहे मर्द हो हो, मेल या फीमेल बच्चा हो या बूढ़ा अगर वो बालग है तो उसके खंदों पे ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे दावत का काम करे जितना उसको पता है एक आयत क्यों न हो हजीस में है कि बल्ले अन्य वालो आया अगर आपको एक आयत का पता है आप उसको नेक्स्ट आगे तक पहुंचा दे ये आप पर फर्ज है और है। आ, शायद बकरा हाँ तीसरे पारे में है बकरा में सूर्य बकरा में के कु तुम खैर उम्मतन सूर्य बकरा में है या आल इमरान में है शायद इन दोनों में अभी वो है सूर्य आल इमरान में है एक सौ दस नंबर आयत कुन तुम खैर

तिलावती के ये लोग जिस तरह तिलावत करने का हक है उसी तरह हक हाँ अदा करते हैं और तिलावत पढ़ते हैं तो फिर हकूक क्या है कि आपको अच्छी आना याद हो और नंबर दूसरे आप उसके माने जानते हो नंबर तीन आप उसको हिफ भी किया हो नंबर चार उस पर अमल भी कर रहे हो नंबर पांच आगे दावत दे रहे हो तो टाइम यहाँ पर पूरा हो गया है यहाँ तक ये यह चीजें आप नोट कर ले और इसको याद भी कर ले प्रैक्टिस कर ले तो अगली क्लास में पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो पिछले का मैं पूछूंगा और आप से सवाल करूंगा और उसके बाद इन फिर हम आगे जाएंगे अब मैं इनशाला आपको थोड़ी सी तिलावत सुनाता हूँ अब मैं उसकी आवाज में सऊद बिन इब्राहिम और इमाम इमामबा जो शरेम है एक सुदेश मशहूर एक शरेम तो शरेम की आवाज में मैं आपको थोड़ी तिलावत करता हूँ बिन لا أقسم بيوم القيامة إنسان لن نجمع عمه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر شريم كي آواز مي ايك اور امام الكعبة ماهر المعيق الانصوري اه عبدالودود حنيف كي آواز مي مي تولي سي تلاوت کرتا هم كلاس کو آف كرتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن ये इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल हैारी नीमान साफी ये सारी तिलावतें मौजूद है फेसबुक पे भी इसी नाम से पेज है तो आप वहां से फिर बाकी उठा सकते हैं और इनशा हमारा इस्लाम 360 सिक्सटी जो ऐप है उस पर भी हमारा काम चल रहा है उस पर भी फिर एक और तरह का हम मेरा तिलावत आएगा इनशा तो बाकी जो तिलावत सुनना चाहता है कारी नीमरहमान साफी यूट्यूब में भी है और फेसबुक पे भी है वहां से इनशा बाकी सुन ले, अल्लाह हाफिज